साथियों, हमने अब हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा जो किताब का हम वीडियो बना रहे थे उसको हमने समाप्त कर दिया। अब हम जो गुरु गोलवलकर जी की एक दूसरी किताब है जिसका नाम है विचार नवनीत, अंग्रेजी में उसको कहते हैं वंच ऑफ थॉट्स। तो साथियों, गोलवलकर जी ने आरएसएस की जो सिद्धांतिक लाइन है, सिद्धांतिक जो विचारधारा है, सारी विचारधारा को इस किताब के अंदर कवर किया है। लगभग हर तथ्य पे उन्होंने अपना एक पक्ष रखा है, एक उन्होंने एक दिशा रखी है जिसमें उन्होंने आरएसएस को क्या करना है, किस तरीके से करना है, और आरएसएस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, बाकी मुद्दे हैं, बाकी जो विचारधारा हैं उसके बारे में कैसे सोचता है। इस किताब के अंदर बहुत सारा कंपैरिजन भी किया गया है दुनिया के इतिहास के साथ, दुनिया की विचारधाराओं के साथ। तो बहुत ही विस्तार से साथियों इस किताब के अंदर चर्चा है, जिसके बारे में हम आपको ये पूरी चर्चा को बताएंगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि कम से कम वीडियो बने, मगर साथियों बहुत बड़ा किताब है ये, बहुत काफ़ी विस्तृत डेटा है इसमें। तो हमने योजना ये बनाई है कि जो विचारधारा वाले जो सवाल हैं उसके अंदर हम डीपली बात करेंगे, भले ही उसमें ज़्यादा वीडियो बन जाए या ज़्यादा समय लगे, बाकी जो सवाल हैं उनके प्रमुख सवाल हम उसमें से कवर करेंगे, बहुत ही डीपली नहीं जाएंगे, विचारधारा को डीपली लेंगे, ये बिल्कुल सुनिश्चित है, क्योंकि विचारधारा हम सबको समझनी बहुत ही जरूरी है। दूसरा साथी, इस किताब के अंदर जो है चार भाग हैं, अलग अलग तरीके से चार भाग हैं, और इस किताब के अंदर टोटल 529 पेज हैं, काफ़ी बड़ी किताब है ये। तो जो चार भाग हैं, चारों भागों के अलग अलग हिस्से हैं, तो हम भी आपको चारों भागों के अलग अलग हिस्सों को समझाएंगे। इस किताब का जो पहला भाग है जिसका नाम है जीवन लक्ष्य, ये तीसरे पेज से लेकर 79 पेज तक इसका विवरण है, और ये विचारधारा से जुड़ा वाला भाग है, इसको हम बहुत ही विस्तार से साथी कवर करेंगे। दूसरा भाग है राष्ट्र और राष्ट्र की समस्याएं, तो ये पूरा एक राजनीतिक जो इशू है, आरएसएस राजनीतिक इशू को कैसे समझता उसके ऊपर है, और इसके अंदर 83 पेज से लेकर के 203 पेज तक इसका विवरण है, ये काफी बड़ा हिस्सा है, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि इसके प्रमुख टॉपिक जो है, प्रमुख हिस्से जो है वो आपके समक्ष रखें। इसमें जो तीसरा भाग है उसके अंदर वैभव का मार्ग, ये इसका नाम है, और इसके अंदर जो राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम है उसके बारे में विस्तार से, नस्ल की चेतना को जगाने का काम है उसके बारे में विस्तार से गोलवलकर जी ने इसमें बात रखी है, और इसकी चर्चा इस किताब के अंदर 207 पेज नंबर से लेकर के 386 पेज तक है, इसके अंदर भी काफ़ी डीपली डिटेल्स में सारे मुद्दों को गोलवलकर ने समझाने की कोशिश की है। इस किताब के अंदर जो चौथा भाग है, चतुर्थ भाग, जिसका टॉपिक है व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति निर्माण वाला जो टॉपिक है ये आरएसएस के से जुड़ा हुआ है, आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, ये 389 से लेकर के 482 पेज तक इसका विवरण है। अंत में कुछ प्रमुख सवाल हैं उसके ऊपर से इनका मत है, इनका विचार है, 485 पेज नंबर से लेकर के 529 तक है। इस तरीके से इस किताब में 529 पेज हैं, ये बहुत ही बड़ी किताब है, बहुत ही विस्तारित चर्चा है जो इस किताब के अंदर है। साथ ये किताब का एक मैंने डिटेल्स थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको समझ आ जाए, हम इसके पहले भाग से चर्चा को शुरू करेंगे। अब साथियों हम चर्चा शुरू करते हैं, प्रथम जो भाग है उसका नाम है जीवन लक्ष्य। अब ये एक टॉपिक है, इसके अंदर भी अलग अलग अध्याय हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हम इस जीवन लक्ष्य का जो भाग है उसका पहला अध्याय हम इसकी चर्चा हम शुरू करते हैं। ये पहले अध्याय का नाम है हमारा जातिगत लक्ष्य, ये टॉपिक का नाम है। इसका जो पहला टॉपिक है उसका नाम है वर्तमान मानसिक ग्रंथि, यहां से गोलवलकर चर्चा शुरू करते हैं, और वो कहते हैं कि आज हमारे देश में ये चर्चा चल रही है कि हम किस विचार को स्वीकार करें, और कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा विचार हो जो हमारी जाति और धर्म से परे हो, और ये विचार संपूर्ण मानव हित को साधने में समर्थ होना चाहिए, और लोग ये कह रहे हैं कि आज मिसाइल और रॉकेट का जमाना है, इससे दूरी खत्म हो चुकी है, देश की सीमाएं अर्थहीन हो चुकी हैं,
और पूरा संसार जो है वो सिकुड़ गया है, और इन्हें लगता है कि देश और राष्ट्र की जो कल्पना है वो भी कालातीत हो गई है। वो आगे कहते हैं कि उनका निष्कर्ष ये है कि जो ये आधुनिकवाद है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीयवाद को अपना दलीय सिद्धांत स्वीकार कर रखा है, क्या ये सिद्धांत हमें उस अपने प्रिय लक्ष्य तक ले जा सकता है। ये साथियों उस समय की परिस्थिति की चर्चा वहां से शुरू कर रहे हैं जब राष्ट्रों का निर्माण शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राजाशाही व्यवस्था वो खत्म हो रही थी, नई जो है जनतंत्र लोकतंत्र का उदय हो रहा था, नए नए राष्ट्रों का निर्माण हो रहा था, अलग अलग विचारों पर चर्चा हो रही थी कि किस तरीके का राष्ट्र बनना चाहिए, किस विचारधारा के साथ राष्ट्र बनना चाहिए। तो इस चर्चाओं के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन में उस विचारधारा के बारे में गोलबल कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वे कह रहे हैं क्या ये विचारधारा हमें उस रास्ते तक ले जा सकती है। उसके आगे कहते हैं वो कि अब एक स्वाभाविक प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा ग्रहण किया हिंदुओं का राष्ट्रीय जो जीवन है उसको पुनः गठित पुनः संगठित करने का कार्य एक एवं मानव हित भावना के साथ कहां तक समरूप है, क्या ये ठीक है। ये प्रश्नों खुद ही उठाते हैं, इस पर वो चर्चा करने की आगे बात करते हैं। अगला जो टॉपिक आता है इस क्षेत्र में प्रथमागत, इसके अंदर वो कहते हैं कि हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अभी जो ये चर्चा चल रही है संसार के अंदर विचारधारा को लेकर के, ये पहली बार चर्चा नहीं हो रही है, और ये जो दृष्टिकोण है ये चिंतन का पहला दृष्टिकोण नहीं है। और आगे कहते हैं कि बहुत पूर्व काल से ऋषियों ने मनीषियों ने बहुत सारे चिंतन किए हैं और इन पर गंभीरता से मनन कर चुके हैं इन मुद्दों पर। और आगे कहते हैं वो अनंत काल से मानव हृदयों के अंदर मानव की एकता, आदर्श, संघर्ष और दैन्य से मुक्त संसार की कल्पना हमारे हृदयों में उपदीप्त कर चुके हैं, और युग युगांतर से हमारी एक ही प्रार्थना रही है सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। इसका अर्थ है कि सभी सुखी हों और सभी अनिष्टों से मुक्त हों। ये हमारा विचार है जो युगो युगांतर से ऋषियों और मनीषियों ने निरंतर गहन चिंतन करने के बाद दिया है। आगे कहते हैं कि प्राणी मात्र का पूर्ण कल्याण ही सदैव हमारा उद्दत्त आदर्श रहा है। इस तरीके से अपनी पूर्व की स्थिति को वो समझाते हैं। अगला जो उनका टॉपिक आता हुआ था दो पक्ष, इसके अंदर वो बोलते हैं पहला जो दुनिया के अंदर चल रहा है जिस तरीके से विध्वंस चल रहा है, जिस तरीके की स्थिति दुनिया के अंदर चल रही है, और इस परिस्थिति में अलग अलग राष्ट्र अलग अलग गुटों में लोग बटे हुए हैं, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए अपना तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मानव का एक यानी मानव की एकता एवं जो कल्याण है वो असंभव है। वो इस परिस्थिति को बता करके एक पक्ष रखते हैं। आगे वो ये कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थिति है उन्होंने घोषणा कर दी है कि जो राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है उसका उन्मूलन कर देना चाहिए। ये उस समय की बात है जब राष्ट्रवाद का विचार जर्मनी में हिटलर और मुसोलिनी लेकर चल रहा था। जब हिटलर का अंत हुआ उस समय पूरी दुनिया में चर्चा थी कि राष्ट्रवाद जो फांसीवादी विचारधारा है इसको खत्म कर देना चाहिए, इसका उन्मूलन कर देना चाहिए। तो उसी बात को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे वो कहते हैं कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा है कम्युनिज्म का सिद्धांत है वो इसी तरीके की परिभाषा को बता रहा है, और उनका जो अंतर्राष्ट्रीयवाद का जो सिद्धांत है उसको इसी तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। उस समय का हालत यह था कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा कम्युनिज्म का जो सिद्धांत है वो दुनिया में बहुत ही तेजी से फैल रहा था। हिटलर को खत्म करने के बाद पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिस्ट कम्युनिज्म की जो विचारधारा उसके सिद्धांत की बड़ी चर्चा थी, इसलिए कम्युनिज्म के सिद्धांत के ऊपर से जो राष्ट्रवाद को फांसीवाद को खत्म करने की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो ऐसा कह रहे हैं, एक पक्ष हो इसको बताते हैं। अब दूसरी पक्ष की चर्चा शुरू करते हैं
जो ये कहते हैं कि दूसरा जो विचारधारा है वो राष्ट्रवाद पर ये कहते हैं कि इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसको खत्म करना असंभव है। उसके बाद रूस का एक उदाहरण देते हैं कि रूस में जब क्रांति का भाव था तब एक तरीके से रूस में क्रांति हुई, शुरू में बहुत ही वेग से सब लोग इकट्ठे हुए, मगर एक समय के बाद वो कमजोर पड़ने लगा। और जो क्रांति हुई थी, क्रांति का जो प्रथम संवेग था, मतलब शुरुआती दौर था, उसमें रूस की प्रगति हुई। जो पंचवर्षीय योजना उन्होंने बनाई थी उसका भी रूस को लाभ हुआ, मगर धीरे धीरे ये जोश जो था वो ठंडा पड़ने लगा। और जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर के जो टैंकर हैं वो रूसी जनता को रौंदते हुए अंदर घुस रहे थे, उस समय जो कम्युनिज्म है वो जनता के अंदर जोश पैदा नहीं कर पाया। और उस समय जो रूसी नेता थे उन्होंने जनता के अंदर मातृभूमि और अपने पूर्वजों की वीरता का वर्णन और प्राचीन काल की भक्ति को जगाने का नितांत जरूरत उनको महसूस हुआ। आगे कहते अतः स्पष्ट है कि मातृभूमि और जो हमारा पुराना इतिहास है, पुराना जो हमारे वीरों की जो राष्ट्रगाथा है और समाज की जो परंपराएं हैं उनके प्रति श्रद्धा जो होती है वो राष्ट्र की कल्पना के अंतर्गत आती है। और यही जो भावना है वह व्यक्ति को वास्तविक सेवा और बलिदान की भावना प्रेरित करती है। और इसके साथ वो समझाते हैं कि दूसरा जो पक्ष है वो राष्ट्रवाद वाला पक्ष है। इसलिए साथियों हमको ये समझना है कि गोलवलकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो राष्ट्रवाद की विचारधारा थी जो हिटलर के नेतृत्व में मुसोलिनी और हिटलर जर्मनी और इटली में थी वो राष्ट्रवाद की विचारधारा का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष जो है जो कम्युनिज्म का सिद्धांत था, कम्युनिस्ट की विचारधारा थी जो मार्क्स लेकर के आए थे वो दूसरा पक्ष वो है। और निष्कर्ष की तौर पे समझाते हैं कि जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है वो प्रमुख है, वो सही है, उसको सही ठहराते हैं, और जो कम्युनिज्म का सिद्धांत है उसको बारे में बहुत सारी उसको सही नहीं कहते, वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना ही सही है। ये हमको समझना है निष्कर्ष के रूप में। इसका आगे आता है विफल प्रयोग, ये टॉपिक आता है। इसमें वो समझाने की कोशिश करते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था उसने जो है राष्ट्रों को जोड़ने का, आपस में झगड़ा ना करें राष्ट्र बनाने का सिद्धांत दिया था, जिसमें अल्पसंख्यक का सिद्धांत भी दिया था, जो उन्होंने हम या हमारी राष्ट्रीयता की जो किताब है उसके अंदर बहुत ही विस्तार से समझाया, उसके बारे में कहते हैं। मगर वो एक पूरे जो करने की कोशिश हुई लीग ऑफ नेशंस का उसका, इसको वो असफल प्रयोग कहते हैं कि ये असफल प्रयोग था, जिसमें धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा थी, नए लोकतंत्र की अवधारणा थी, उसको असफल प्रयोग कहते हैं। इस प्रकार से हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो राष्ट्रवाद है उसको ना तो खत्म किया जा सकता है ना उसको खत्म करना चाहिए। इसके आगे वो जो प्रथम विश्व युद्ध की समय की परिस्थिति को समझाते हैं। आगे का जो सब्जेक्ट है एकता का आंतरिक बंध, इस पर जो गोलवलकर ये कहते हैं कि इस समस्या का जो हल है वो हम हिंदुओं के पास है, यानी जो विश्व में ये उथल पुथल चल रही थी, जो कम्युनिज्म का सिद्धांत है उसको सही नहीं कहा। आगे वो कहते हैं कि इस समस्या का हल हम हिंदुओं के पास है और हमारा जो हल है वो भौतिकवाद पर आधारित नहीं है। आगे वो कहते हैं जो कम्युनिज्म का सिद्धांत है वो भौतिकवाद के सिद्धांतों और वादों पर आधारित थे, और भौतिकवाद जो है उसके पास जो मूल प्रश्न है उसका उत्तर ही नहीं है। आगे वो प्रश्न उठाते हैं कि विश्व की एकता और मानव कल्याण की आकांक्षा मनुष्य में क्यों होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि मनुष्य के विरोध में मनुष्य खड़े होने के दृश्य में इनको दया क्यों होनी चाहिए, हमें एक दूसरे से थोड़ा भी प्यार क्यों करना चाहिए। आगे कहते हैं भौतिक दृष्टिकोण से इस सब की समान रूप से स्थूल रूप में संज्ञा दी गई है, जो प्रत्येक अपने में अलग अलग और एकांतिक है, जिनमें परस्पर लगाव अथवा प्रेम के कोई बंधन नहीं हो सकते, और ऐसे प्राणियों में कोई आंतरिक संयम भी नहीं हो सकता जो संपूर्ण मानव हित में उन्हें अपने उन्मादी स्वार्थ को संयमित करने की प्रेरणा दे सकें।
आगे कहते हैं विश्व कल्याण की उपलब्धि के लिए निर्मित कोई भी व्यवस्था उसी परिणाम में लाभप्रद हो सकती है जिस परिणाम में उससे संबंधित व्यक्ति मानव के सच्चे प्रेम से स्वस्फूर्त होंगे और जो उन्हें मानवता के कल्याण के साथ अपने व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय चरित्र के सुर मिलाने की योग्यता प्रदान करेंगे। इसमें साथियों आगे और विस्तार से समझाएंगे। गोलवलकर ने कहा कि ये जो व्यवस्था है ये स्वार्थ के आधार पर जुड़ी हुई है और स्वार्थ के आधार पर जो बंधन है वो बंधन आगे समाज के भले के लिए नहीं हो सकते हैं। अब यहां से विचारधारा का जो सवाल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। आगे वो कहते हैं इसलिए प्राचीन हिंदू दार्शनिकों ने भौतिकवाद से उच्चतर तत्व की ओर मोड़ दिया है। यानी वो कह रहे हैं कि इसलिए जो दार्शनिक थे उन्होंने भौतिकवाद की विचारधारा की जगह एक तत्व की तरफ विचार को मोड़ दिया है जो भौतिकवाद के विद्वानों की पहुंच से परे है और मानवता के रहस्यों की गहराई में उतरकर संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त चरम सत्य का प्राणी मात्र में वर्तमान एक महान तत्व जिसे हम आत्मा ईश्वर सत्य वास्तविकता शून्य कोई भी संज्ञा दे सकते हैं का आविष्कार किया। इस तत्व को साथी बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ये विचारधारा का बहुत ही प्रमुख बात है जो गोलवलकर ने यहां बोली। उन्होंने जो समझाया भौतिकवाद के बारे में, हमारे देश के अंदर भी भौतिकवादी व्यवस्था चार्वाक के रूप में थी। भौतिकवादी दर्शन सबसे पूर्व में इस दुनिया में जब से ये दुनिया पैदा हुई भौतिकवादी दर्शन था। भौतिकवादी दर्शन के बाद जो गोलवलकर ये कह रहे हैं कि जो पुराने दार्शनिक थे हिंदू धर्म के हिंदू दर्शन के उन्होंने जो भौतिकवादी दर्शन था उससे अलग एक अलग चीज का आविष्कार किया, अलग तत्व का आविष्कार किया जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम शून्य कहते हैं, जिसको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं उसका आविष्कार किया। ये विचारधारा का तत्व है जो हमको ये समझाया जाता है कि भगवान पैदा हुए ब्रह्मा विष्णु पैदा हुए ये उसकी बात की थ्योरी है। आत्मा का जो तत्व का जो पैदा करना विचारकों के द्वारा ये एक भौतिकवादी दर्शन के अलग इस विचार को का आविष्कार किया गया, इसको पैदा किया गया। ये पैदा हुआ नहीं, पैदा किया गया, इस बात को समझना है। ये विचारधारा जो है पूरी गढ़ी गई है, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जो हमको ये समझाया जाता है कि ये सब चीजें अनंत काल से हैं, सब पैदा हुई हैं, ये पैदा नहीं हुई है, सबका आविष्कार किया गया, सबको गढ़ा गया है। आत्मा को, परमात्मा को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, उसके आगे जितने भी तत्व हैं ये सारी दुनिया में जो विचारधारा के साथ जुड़े हैं इन सभी तत्वों का आविष्कार किया गया, सभी तत्वों को पैदा किया गया एक मनुष्य की विचार को, मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए हमें कहते हैं कि ये जो विचारधाराएं होती हैं ये मनुष्य को के मस्तिष्क को कंट्रोल करने की थ्योरियां हैं। वो दुनिया में अलग अलग रूप में, सैकड़ों रूप में है, इस्लाम धर्म के रूप में है, ईसाई धर्म के रूप में है, ये हमारे देश में हिंदू धर्म के रूप में है। अलग अलग जितने भी विचारधारा हैं सबका मकसद मनुष्य के मस्तिष्क को कंट्रोल करने की एक थ्योरी को बनाना जिसमें मनुष्य अपने आप को सुखी महसूस करे और एक विचार के साथ एक जिसके अंदर एक जीवन जीने की पद्धति हो, जीवन जीने की पद्धति वो धर्म है जिसको हमको ध्यान रखना। आगे धर्म के रूप में आया, पहले इसका आविष्कार हुआ, इस तत्व का आविष्कार हुआ जिसको आत्मा कहा गया, इसके साथ जुड़ी फिर बहुत सारी विचारधाराओं का आविष्कार हुआ जिसको हम आगे समझाएंगे, जिसको हमने मनुस्मृति के अंदर भी बहुत ही विस्तार से समझाया है। इन सारी विचार को अच्छी तरीके से हमको ध्यान रखने की जरूरत है। यही अटल सत्य है इस विचारधारा का को कैसे पैदा किया गया जिसको गोलवलकर भी समझाते हैं और हमारा जो इतिहास है जो विज्ञान है वो भी इस बात को अच्छी तरीके से समझाता है। इससे एक बात स्पष्ट है
किस स्थूल के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर जो भौतिकवादी दर्शन था, शुरुआती दौर से भौतिकवादी दर्शन था, भौतिकवादी दर्शन को हमारे सनातन धर्म के अंदर जो वेद हैं उसके अंदर, जो पुराना जो हमारे दर्शन है उसके अंदर चार्वाक दर्शन के रूप में कहा गया, जिसका देने वाला बृहस्पति, गुरु बृहस्पति थे। इस बात को भी हमको ध्यान रखना कि पहले जो भौतिकवादी दर्शन था उसके बाद ये तत्व की खोज हुई, आत्मा के तत्व की खोज हुई, इसका आविष्कार किया गया, उसके बाद इस पूरी विचारधारा को गढ़ा गया। ये सीक्वेंस है जिसको हमको समझने की जरूरत है। और आगे वो कहते हैं जो ये तत्व है, जो ये आत्मा है, ये समान होने की अनुभूति देता है और दूसरों को सुख देने का रास्ता प्रदान करता है। आगे वो कहते हैं कि जो अहम मुझ में है वही दूसरी प्राणियों के अंदर है। यह जो जीवित प्राणी है उनके अंदर सुख दुख की जो प्रक्रिया है उसी तरीके से एहसास करवाता है जैसा एहसास वो स्वयं करता है। और आगे वो कहते हैं जो ये आंतरिक तत्व है इसकी जो विशुद्ध अनुभूति है वह है मानव एकता और भाईचारा के लिए हमारी नैसर्गिक आकांक्षा के पीछे की वास्तविक प्रेरक शक्ति है। ये वो आत्मा के बारे में समझाने के बारे में कोशिश कर रहे हैं और इसी विचार को वो प्रमुख प्रेरक शक्ति बता रहे हैं। और आगे वो कहते हैं कि जहां मानव प्राणी एक समान होने की अनुभूति करते हैं, क्योंकि वही आत्मा हमारे अंदर है, वही आत्मा दूसरे के अंदर, इतनी सारी आत्मा, इसलिए वो समान की अनुभूति करता है। और जो अनुभूति करता है इसी के अंदर एकमात्र शक्ति है, यही शक्ति है। और यही जो शक्ति है वो भौतिकवाद से उत्पन्न चित्त क्षोभ और कलह का दमन कर सकता है। यहाँ पे वो भौतिकवाद जो शब्द इस्तेमाल करो विचारधारा के लिए नहीं है, भौतिकवाद जो ये सुविधाएं हैं, जो नई नई भौतिक चीजें पैदा हो रही हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो हमारी ये अनुभूति है यही जो भौतिकवाद, जो भौतिकवादी जो ये सब चीजें, व्याकुलता, ये जरूरतें, ये जो हमारे मन में पैदा हो रही हैं इसको खत्म कर सकती हैं और मानव मन की दृष्टि को विस्तृत कर सकती है। और यही शक्ति राष्ट्रीय कल्याण के साथ व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय आकांक्षाओं का स्वारैक्य संपादित कर सकती है। यानी इसको समझना साथियों की भाषा थोड़ा जटिल है, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो विचार है जो आत्मा की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, ये विचार जो है जो मनुष्य के अंदर जो भौतिक संसाधन है, भौतिक साधन है जो पैदा हो रहे हैं, उनकी जो व्याकुलता होती है, उनकी जो स्पर्धा होती है, उनको चाहने की जो एक ललक होती है, ये जो सारा चीज है इससे एक तरीके की जो अराजकता पैदा होती है, उस अराजकता को हम इस विचार से, इस विचारधारा से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। और जो इस विचार से मानव एकता और जो राष्ट्र के प्रति एकजुटता है उसको पैदा कर सकते हैं। इसमें मोटा मोटा समझना साथी, जो पूरी विचारधारा, जैसे किसी को अंदर ये समझाया जाता है, किसी के अंदर संपत्ति कम है, संसाधन कम है, तो ये इस विचार के साथ में वो समझ लेता है कि उसके नसीब किस्मत में इतना ही है। यदि किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो वो मान लेता है कि उसकी नसीब किस्मत में वो लिखा हुआ है या उसके अंदर है, इसलिए उसको स्वीकार कर लेता है। तो ये जो विचार है इस तरीके से हमारे मन को कंट्रोल करता है। मन के अंदर जो हमारी लालच की या स्वार्थ की या प्रतिस्पर्धा की या जो कुछ पाने की चाहत पैदा होती है उसको कंट्रोल करता है। आगे मैं और विस्तार से समझाऊंगा, इतना आप समझ लीजिए खाली। अब अगला विषय आता है कि सही रास्ता। आगे वो कहते हैं कि अभी जो मैंने समझाया इसके आधार पर सही रास्ता क्या है। आगे वो कहते हैं कि ये जो समान आधार है इसको मानव समाज की जो जटिल संगठना है उसमें स्वयं को किस प्रकार व्यक्त करेगा। आगे वो कहते हैं कि व्यक्ति के समान ही जो राष्ट्र होता है, जो लोगों का समूह होता है, उसका भी अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। आगे वो कहते हैं कि भूमंडल के सभी भागों में व्यक्तियों एवं राष्ट्रों के अलग अलग विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनका विश्व की योजना में अपना स्थान होता है।
और जो विभिन्न मानव समुदाय है, संप्रदाय है, ये अपने अपने मार्ग से अपनी प्रकृति के अनुसार एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अतः वह चाहे व्यक्ति हो या समुदाय हो, उसकी अपनी विशेषताओं का विनाश उसके आत्म अभिव्यक्ति के आनंद को ही नष्ट कर देगा। यहां वो कही कहने की कोशिश कर रहे हैं साथियों कि जो अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग नस्लें हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनका जो पुराना इतिहास है, संस्कृति है, उनकी जो परंपरा है, यदि इसको नष्ट किया जाए, इसको नष्ट करके एकता बनाने की कोशिश किया जाए, तो उनका जो प्रमुख आनंद है, उनका जो अपना एक चरित्र है, उनका वो सारा चीज नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी जैसे अपने देश में जो समझाते हैं वो कि नस्ल की, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, हिंदू नस्ल की जो अपनी एक संस्कृति है, हिंदू राष्ट्र की जो अपनी अवधारणा है, ये नस्ल की जो अवधारणा है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इस तरीके से दुनिया में बहुत सारी अवधारणा है, उनको नष्ट नहीं किया जा सकता, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे साथियों विचार से समझाते हैं कि जो मानव जीवन है, जिस तरीके से अभी जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, जरूरी चीज़ें पैदा हो रही हैं, जिस तरीके से स्पर्धा हो रही है, जिस तरीके से हमको तृष्णा हो रही है, लालच हो रहा है, कुछ चीज़ों पानों का, नई नई सुख सुविधा भोगने का जो ये सब लालच हो रहा है, ये जो प्रतिस्पर्धा है, इस प्रतिस्पर्धा से सुख शांति नहीं होती मिलेगी, तो ये के विचार है। मगर जो दूसरा विचार उन्होंने बताया, उस विचार से जो मनुष्य का, मानव का बहुमुखी विकास होता है, इस विचार से वो रुद्र हो जाएगा, इस विचार से वो उसको रुक जाएगा। यानी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये सारी सुख सुविधाएं पैदा हो रही हैं, इस सुख सुविधाओं के कारण से मन जो है व्याकुल होता है, जो ये विचार है, इस विचार से उस मन को जो सोचने का ये जो रुद्र है यानी छेद है, उसको रोक सकते हैं। यानी वो इस तरीके के जो व्याकुलता वाला जो पक्ष है उस तरफ नहीं जाएगा, जो सुख सुविधाएं हैं जो पैदा हो रही उसका लालच नहीं करेगा, इस तरीके से वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो विविध विशेषताएं हैं उनके बीच में सामंजस्य की जो खोज है, इस संसार के चिंतन की विशिष्ट देन है। आखिर वो कहते हैं इस प्रकार से हम जो राष्ट्र हैं, हम राष्ट्रों के मध्य सामंजस्यपूर्ण संयोग चाहते हैं, उनका विलोप नहीं चाहते। इस तत्व को साथ ही अच्छी तरीके से समझना है कि जो राष्ट्रों के अंदर राष्ट्र बनने की जो प्रक्रिया थी, जिसमें गोलवलकर ने जो थ्योरी दी थी कि राष्ट्र कैसे बनना है, राष्ट्र को नस्ल के आधार पर बनाने की जो इन्होंने थ्योरी दी थी, उसके आधार पर ये कहते हैं कि सामंजस्य बना सकते हैं, मगर जो ये राष्ट्र हैं इनको विलुप्त नहीं किया जा सकता, किसी राष्ट्र को खत्म नहीं किया जा सकता, जैसे किसी नस्ल है उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसका विलोप नहीं किया जा सकता, उसको एक दूसरे के साथ जोड़ा नहीं जा सकता, ये जोड़ने के विरोध में है, एक दूसरे के साथ समाहित नहीं किया जा सकता, उसको विलोप नहीं किया जा सकता, विलोप करने के पक्ष में नहीं है, ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें यह भी ध्यान रखना, जैसे अलग अलग जो नस्ल है, जैसे हमारी हिंदू नस्ल है वो समझाते हैं जो किताब में समझाया उन्होंने, और एक जो इस्लाम पैदा हुआ कहाँ से, अरब देशों से, तो ये वहाँ की जो नस्ल है, ये दोनों नस्लों की स्वतंत्र वो अलग अलग रहे वो ये कहते हैं, मगर इनका विलोप नहीं हो सकता, इनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे देश के अंदर RSS शुद्ध रूप से जो मुसलमान है या जो ईसाई है, इनको विदेशी नस्ल कहते हैं, और विदेशी नस्ल को हमारे देश में समाहित नहीं किया जा सकता, हमारी इस धरती पर समाहित नहीं किया जा सकता, इस तरीके की आगे थ्योरी देते हैं। तो इस पूरे विचार को इसके साथ जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो अलग अलग राष्ट्र हैं, अलग अलग नस्लें हैं, उनका एक सामंजस्य बनाया जा सकता, मगर उनको विलोप नहीं करना है। अब अगला जो विषय आता है वो देवीय धरोहर। इसके अंतर्गत गोलवलकर ये कहते हैं, हिंदू समाज को जो उसकी राष्ट्रीय प्रतिमा के आधार पर पुनः संगठित करने का काम, उसे पुनः संगठित करने का पवित्र कर्तव्य जिसे संघ ने ग्रहण किया है, यह ज्ञान केवल हिंदुओं के पास है, यह एक दैवीय धरोहर है जिसका भार नियति ने हिंदुओं को सौंपा है। अतः हिंदू समाज को स्वस्थ दशा में सुरक्षित रखने के लिए यह पवित्र कर्तव्य हम पर है।
और एक जागतिक महान लक्ष्य हिंदू ही पूर्ण कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि इतिहास बताता है कि हमारा जो इतिहास है, हमारे जो प्राचीन दार्शनिक हैं, वो इस विचार के अंदर गोते लगाते रहे हैं, कई तरीके के आविष्कार किए हैं, कई तरीके के मानव प्रकृति के रहस्यों से पर्दा उठाया है। इन्होंने आत्म जगत में गहराई का गोता लगाया है। आत्म जगत क्या है? ये जो हमारी तीसरी दुनिया की अलौकिक दुनिया की जो परिकल्पना है, आत्मा परमात्मा की जो परिकल्पना, स्वर्ग नरक की जो परिकल्पना है, इसके बारे में कह रहे हैं। इसमें भी हमारे विचारकों ने बहुत बड़ा गोता लगाया है, मतलब उसकी खोज की है, उसको आविष्कार किया है। इस एक रूपता के सिद्धांत की अनुभूति के शास्त्रों को आविष्कृत किया, शास्त्रों का आविष्कार किया और इन शास्त्रों को परिपूर्ण बनाया। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी विचार हैं, आत्मा से लेकर सबका आविष्कार किया, ये हर जगह गोलवल कर आविष्कार किया कहते हैं, हर किताब में सब जगह आविष्कार किया लिखा है। इससे हमको समझ में आता साथियों कि सारी जो थ्योरियां हैं, सारी विचारधाराएं हैं, एक विकास क्रम में पैदा की गई हैं, विकास क्रम में गढ़ी गई हैं। इस बात को यही यथार्थ है, यही सच है, जिसको हमको ध्यान रखना है। आगे वो कहते हैं कि भारत से बाहर का जो संसार है, इसने आत्मीय जो तत्व है उसकी खोज नहीं की, उसका अध्ययन नहीं किया। इसलिए जो पाश्चात्य लोग हैं, भारत के अलावा जो दुनिया है, वो दुनिया आत्म जगत के ज्ञान एवं अनुभव से शून्य बने रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि दुनिया ने जो स्थूल के रहस्य उनका चाहे जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लिया हो या उनसे पर्दा उठा दिया हो, गोलवलकर ये कह रहे हैं कि जो दूसरी दुनिया है भारत के अलावा, उन्होंने आत्मज्ञान का अध्ययन नहीं किया। यानी जो आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का ज्ञान बाकी दुनिया को नहीं हुआ। इसलिए जो पाश्चात्य लोग हैं, उन्होंने विकास कर लिया, बहुत सारी चीज़ों को पैदा कर लिया, पानी की खोज कर ली, मशीन की खोज कर ली, औद्योगीकरण के कर लिया, बहुत सारा चीज पैदा कर लिया, मगर वो जो आत्मज्ञान है उसके उसको पैदा नहीं कर पाए या उसकी खोज नहीं कर पाए। उससे जो ये दुनिया है, उन्होंने विकास तो स्थूल में बहुत कुछ पैदा कर लिया, मगर वो आत्मज्ञान पैदा नहीं कर पाए, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला सब्जेक्ट है व्यवहारिक सफलता। इसमें गोलवलकर ये कहते हैं कि हमारा जो हमने आध्यात्मिक साम्राज्य जो पैदा किया था, इसको उस समय बहुत दूर तक पहुंचाया। कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज की थी, उसके पहले हमारा ये जो विचार है वो अमेरिका तक पहुंच गया था। अब इस टॉपिक का अंतिम जो पैराग्राफ है उसमें कहा प्रथम पग। प्रथम पग में गोलवलकर ये कहते हैं कि इसके लिए हमको जो पहला कदम रखना है, उसमें हमको इस विचार के लिए हमें संसार के समक्ष पुनरुत्थानशील और समर्थशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस युग युगांतर से चले आ रहे राष्ट्रीय लक्ष्य को पूर्ण करने का संकल्प लिया है। और इस प्रथम पग में हिंदू समाज के जितने बिखरे हुए तत्व हैं, इन तत्वों को संगठित करना है और आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के दोनों ही क्षेत्रों में एक संगठित और अजेय शक्ति का निर्माण करेगा। और इसके बाद से ये जो पहला जो अध्याय है वो यहीं खत्म हो जाता है। तो साथियों, इस अध्याय से गोलवलकर उनका जातिगत लक्ष्य क्या है उसको बताते हैं। आपसे अपील है मेरी कि उस हम या हमारी राष्ट्रीयता की जो किताब की वीडियो उनको सुने, और साथियों हमारी जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाए, दर्शन की सीरीज के वीडियो जरूर सुने। हमको हमने उसको ऋग्वैदिक काल से कवर किया है, सारे इतिहास को कवर किया है, बहुत मेहनत की है उसके अंदर, सारी जानकारी को जरूर सुने। उसके अलावा हमारी प्लेलिस्ट के अंदर किसान आंदोलन, गुलामी, बैंक घोटाला, बहुत सारी सरकार की आरएसएस के बारे में बहुत सारे फोल्डर हैं, उन फोल्डरों के वीडियो को सुने आप, और जो भी वीडियो लगते हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। अंत में मैंने बताने कि साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारे साथ जुड़ने के बाद आपको जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा,
आप उस वीडियो को तुरंत सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग शेयर करवाएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ इस वीडियो में अपनी बात खत्म करता हूं। अगले अध्याय में एक नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे अगले वीडियो में। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो।